आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स और मुझे किताबें कलेक्ट करने का भी बेहद शौक है। वैसे मेरे पास एक यही बुक शेल्फ है, लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे बुक स्टोर्स और लाइब्रेरीज हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया तो जाना कि वाकई में दुनिया भर में कितनी फैसिनेटिंग लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स हैं। चलना चाहेंगे आप मेरे साथ? चलिए, इस बार ट्रैवल विद अंकिता में मैं आपको लेकर चलती हूँ इस किताबी दुनिया के हसीन सफर पर। सबसे पहले चलते हैं मेक्सिको के लिब्रेरिया एल पेंटुलो। लिब्रेरिया को स्पेनिश में बुक स्टोर कहते हैं। ये बुक स्टोर 1993 में बनाया गया था। यहाँ के कैफेटेरिया में या फिर लिविंग एरिया में बैठकर आप कॉफी के साथ साथ बुक रीड कर सकते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत बुक स्टोर में शामिल है नीदरलैंड्स के मास्ट्रिक्ट शहर में बना पोलार बुक स्टोर। कहते हैं यहाँ पर 13वीं सदी में बनाई गई एक चर्च थी जो 18वीं सदी के बाद गुमनाम हो चुकी थी। इस बुक स्टोर से पहले यहाँ पर एक साइकिल का वेयर हाउस था। साल 2007 में ये शानदार बुक स्टोर लोगों के लिए खोला गया। इस बुक स्टोर की हेरिटेज बिल्डिंग आपको जरूर आकर्षित करेगी। नेशनल ज्योग्राफी ने इसे 2019 में दुनिया का सबसे खूबसूरत बुक स्टोर का दर्जा दिया था। इसे पहले साल 2008 में द गार्जियन ने इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बुक स्टोर की कैटेगरी में दूसरे नंबर पर रखा था। अर्जेंटीना के बेनोस आयरिस में लोकेटेड है लिब्रेरिया इल अतीनियो। 1919 में यहाँ पर एक थिएटर बनाया गया जिसे रेनोवेशन के बाद तब्दील कर दिया गया। आज ये बुक और म्यूजिक स्टोर दुनिया भर में मशहूर है। दिस इज क्वाइट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज बुक स्टोर इन द फैशन कैपिटल पेरिस। शेक्सपियर एंड कंपनी सबसे पहले 1919 में खोला गया था, लेकिन जब जर्मनी का पेरिस पर कब्जा हुआ तो इसे साल 1941 में बंद कर दिया गया। 10 साल के बाद ये एक नए नाम के साथ खुला और फिर 1964 में इसे अपना पुराना नाम वापस मिला। यहाँ पर आप एक बेड भी बुक करा सकते हैं और आराम से लेटकर किताबों के बीच अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। ये एक ऐसा बुक स्टोर है जहाँ पर आकर आप कुछ किताबें किसी भी वक्त खरीद सकते हैं, यानी जब स्टोर बंद हो तब भी। बस आपको एंट्रेंस पर लगे ड्रॉप बॉक्स में कुछ सिक्के डालने होंगे। कैलिफोर्निया के ओजोई में स्थित ये आउटडोर बुक स्टोर साल 1964 में बनाया गया था और ये कई डॉक्यूमेंट्रीज और हॉलीवुड फिल्म्स में फीचर भी हो चुका है। अरे, नाम तो बताया ही नहीं, ये बाथ्स बुक स्टोर के नाम से मशहूर है। The stories of more fascinating bookstores and libraries will continue in part 2. वैसे हॉगवर्ट्स की हैरी पॉटर में लाइब्रेरी याद है? उसका सफर भी होगा, लेकिन अगली बार। मुझे जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। ट्रैवल विद अंकिता, स्टे ट्यून्ड।